नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में दोस्तों प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज हम मकोई के बारे में बात करेंगे दोस्तों हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो अनेक प्रकार के गुणों से भरपूर होती है ये जड़ी बूटी इतनी बेहतरीन गुणों वाली होती है कि ये कैंसर तक को ठीक करती है दोस्तों ऐसी ही एक चमत्कारिक गुणों वाली जड़ी बूटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं है जिसका नाम है मकोई मकोई का एक क्षुभ होता है जो तीन फीट तक ऊंचा होता है ये बहुत फैलता है और इसके पत्ते कंगूरीदार होते हैं इस पर सफेद रंग के पांच पंखुड़ी वाले पुष्प लगते हैं पुष्प के बाद इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं जिसे पीलू से जानते हैं आयुर्वेद के पौराणिक शास्त्रों में काकमाची से मकोई से पहचान मिली है हिंदी में और उर्दू में मकोई कहा जाता है गुजराती में पिलूडी कहते हैं और बंगाली में काकमाची कहते हैं इसका अंग्रेजी नाम कॉमन नैट और वैज्ञानिक नाम सोलेनम एमेरिकनम है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके फलों के रंग भेद से मकोई दो प्रकार की होती है एक पर लाल रंग के पल लगते हैं और दूसरी पर काले रंग के पल लगते हैं दोनों प्रकार की के मकोई के पुष्प एक समान ही होते हैं काले पल वाली मकोई गुणों में श्रेष्ठ होती है मकोई का पौधा कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है इसके पत्रों में प्रोटीन वसा खनिज कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम फॉस्फरस और लोह जैसे तत्व पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त इसमें कैरोटीन विटामिन सी और निक्योटेनिक नाम का अल्म भी होता है आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो मकोई तीनों दोषों को दूर करती है यह स्निग्ध होती है और थोड़ी मात्रा में गर्म होती है गर्म होने से वात रोगों को दूर करती है तिक्त और कड़वी होने से पित्त और कफ का नाश करती है मकोई लीवर की रामबाण औषधि है ये कामला रोग को दूर करती है इसके अतिरिक्त ये कफ को मिटाती है दर्द को दूर करती है और न भरने वाले घावों को शीघ्र भरती है इसके फल का सेवन करने से पेशाब खुल कर आता है जिसके कारण मूत्रावरोध दूर होता है और पेट में पानी भरने की समस्या भी दूर होती है ज़्यादातर लोगों को मकोई के गुण और फायदे की जानकारी न होने के कारण इसे खरपतवार समझ कर फेंक देते हैं लेकिन इसके गुणों को जानने के बाद कभी भी इसे आप बेकार नहीं समझेंगे दोस्तों हजारों और लाखों की दवाई के खर्च करने पर भी जो फायदा आपको नहीं मिलता ये इस मकोई के पौधे के उपयोग करने से आपको सरलता से मिल जाता है श्वास खांसी और दमा में मकोई बहुत ही लाभकारी और बेहतरीन औषधि है इसके लिए इसके पुष्प और फलों को इकट्ठा करें और एक गिलास पानी में धीमी आंच पर पकाएं। जब एक चौथाई शेष रहे तब ठंडा होने के बाद छानकर 10 से 30 एम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें कुछ दिनों तक लगातार इसका इस प्रकार से सेवन करते रहने से श्वास रोग में बहुत जबरदस्त आराम होता है कप बाहर निकल जाता है और श्वास नलिका में जो सूजन आ गई हो वो भी दूर हो जाती है इसके पत्तों की सब्जी या साग बनाकर खाने से भी बहुत आराम होता है दोस्तों इसके पके हुए फलों को शहद के साथ रोजाना पाँच छः दस ग्राम की मात्रा में सेवन करने से टीबी खत्म होता है मकोई कामला रोग की एक जबरदस्त जड़ी बूटी है कामला रोग होने पर मकोई के पूरे पौधे यानी इसकी जड़ पत्ते फल फूल और इसका तना इन पांचों चीज़ों को आयुर्वेद में पंचाग से जानते हैं इनमें से 10 ग्राम की मात्रा में इसके पंचाग को लेकर एक गिलास पानी में धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाए जब एक चौथाई शेष रहे तब इसमें से 15 से 20 एम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें इस प्रकार इसके लगभग पंद्रह दिनों के प्रयोग से कामला रोग में ज़बरदस्त फ़ायदा होता है अगर आपको ये पौधा ताज़ा न मिले तो इसे साफ करके साव में सुखा लें और इसका पाउडर बनाकर रख ले अब इस पाउडर में से एक से दो चम्मच की मात्रा में एक गिलास पानी में उबाले और चाय की तरह सेवन करें अगर आपको ये पौधा ताज़ा मिल जाता है तो इसका रस निकाले और कपड़े से छान कर दस से पंद्रह एम की मात्रा में पिए इससे भी ज़बरदस्त फायदा होता है दोस्तों इसके ताजे रस का रोजाना सेवन करने से यकृत बलवान बनता है यकृत के सारे विकार और रोग नष्ट हो जाते हैं मकोए के पाउडर को धीमी आंच पर पानी में उबालें और इसमें से 20 से तीस एम की मात्रा में लें। इसके साथ सेंधा नमक और जीरा मिलाकर रोजाना सेवन करने से भी यकृत बलवान बनता है और प्लीहा की वृद्धि रुक जाती है दोस्तों मकोय का उपयोग आप त्वचा तो रोगों पर आसानी से कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। अगर किसी को दाँत खाज और खुजली की समस्या होती है तो मकोए के हरे फल को पीस कर लगाए इससे जल्दी ही दाँत की छुट्टी हो जाती है इसके अलावा मकई के ताजे पत्तों का एक पेस्ट बनाएं और प्रवेश स्थान पर रोजाना त्वचा पर लगाएं। इससे भी दाद खाज खुजली गिली खुजली और पामा जैसे विकार नष्ट होते हैं इसके पत्रों का लेप रोजाना लगाने से कुष्ठ रोगों का भी समन होता है मकोई के साथ निर्गुंड के पत्र और सिरिस के फूल तथा घी मिलाकर एक लेप तैयार करें इस लेप को रोजाना लगाने से त्वचा पर होने वाला पर रोग मिटता है तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ